गफलत और शक यही है इस कत्ल में मोटिव। उस शहर में सिक्योरिटी गार्ड का कत्ल हुआ। गार्ड को आरोपियों पर कुछ और ही शक था और चोरों को डर था, लेकिन इस शक और डर का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। सोयाबीन के दाने ने कत्ल की ये गुत्थी सुलझाई। देखिए रिपोर्ट। चोरों का डर हो गया मर्डर। सोयाबीन का दाना कत्ल का सुराग। कत्ल के बाद कातिलों ने किया सौदा। तीसरी आंख ने किया राज फाश। हत्यारे दे गए अपना ही सुराग। सलाखों में गार्ड के कत्ल। तारीख 31 जुलाई। इस तारीख को मंदसौर के गरोठ थाना इलाके में पवन चक्की प्लांट पर तैनात गार्ड विशाल प्रजापति की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। कत्ल के बाद मृतक के परिवार वाले सड़क पर लाश रखकर इंसाफ मांग रहे थे। पुलिस के रडार पर कई लोग थे, कई थ्योरियां थी। पहली थ्योरी थी कि कहीं पवन चक्की प्लांट पर चोरी की नीयत से तो कोई नहीं घुसा, जिन्हें गार्ड ने देख लिया, लेकिन ये थ्योरी फेल हो गई। क्योंकि सनसनीखेज वारदात थी, इसका प्रथम जो शख्स जा रहा था, क्योंकि ऐसी सूचनाएं मिल रही थी कि पवन चक्की जो है, जो विंड मिल है वहाँ पे भी जो कॉपर वायर है या फिर डीजल है उसकी चोरी करने के लिए भी लोगों का मूवमेंट रहता है, तो उसी के संदर्भ में ये सुरक्षा गार्ड को लगाया गया था। तो पहला ऐसा शक जा रहा था कि कोई व्यक्ति या कोई टीम जो है इसमें पवन चक्की के पास में चोरी करने आई थी, तो उनके द्वारा ये घटना कारित की गई। परंतु जब मौके से साक्ष्य संकलन किया गया और साथ ही साथ मुखबिर नेटवर्क को एक्टिवेट किया गया, मुखबिर से बातचीत की गई और जो संभावित रूट थे उन पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन सभी का अध्ययन किया गया, तो उसमें इस जो प्रथम जो हमारा या जनता से जो निकल के आया था पॉइंट की पवन चक्की पे चोरी करने वाला गिरोह, उससे दूर हो गए थे हम लोग। हमें क्लियर हो गया था इसका पवन चक्की से रिलेशन नहीं है इस घटनाक्रम का पूरा। थ्योरी में एक बात सही थी और वो थी चोरी, लेकिन चोरी की इस कहानी में कई पेच हैं। उस रात क्या हुआ, कैसे हुआ, सुनिए गार्ड विशाल को। उस रोज मिनी ट्रक आते दिखा जिससे ये लगा कि कहीं ये बदमाश चोरी के इरादे से तो नहीं आ रहे। इधर तीनों आरोपी खुद गार्ड के देखने पर डरे हुए थे, घबराए थे। इस बीच गार्ड विशाल ने अपने सुपरवाइजर को कॉल किया। इससे बदमाशों को लगा कि अब तो इनका राज खुल गया। तीनों ने गार्ड विशाल पर हमला कर उसकी जान ले ली। पास ही के एक गोदाम में जो घटनास्थल से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर है वहां पे जो थाना शामगढ़ में लगता है वहाँ पे सोयाबीन चोरी की भी घटना हुई है और मौके पे भी सोयाबीन के कुछ दाने बिखरे हुए मिले, तो इससे हमारा शक थोड़ा सा इस डायरेक्शन में पड़ा कि कोई ना कोई सोयाबीन चोरी या वेयर हाउस कटिंग वाले जो ग्रोह है उनमें से किसी ने घटना को अंजाम दिया। सेमरोल के रहने वाले द्वारका प्रसाद बागरी का और राधेश्याम बागरी और शामगढ़ आलमगढ़ के रहने वाले मोहनलाल बागरी, इनको हमने हिरासत में लिया। जब इनसे हिकमत अमली से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा जुर्म कबूलना स्वीकार किया गया। अब इस कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट देखिए। जिस कंपनी में गार्ड विशाल तैनात था वहां कोई वारदात होनी ही नहीं थी, तो गार्ड को क्यों लगा कि ये बदमाश चोरी करने आए हैं और इन बदमाशों को गार्ड से क्यों डर लगा, तो इसका राज खुला सोयाबीन के दानों ने। इनके द्वारा बताया गया कि ये 30 और 31 जुलाई की दरमियानी रात को जब वेयर हाउस से चोरी सोयाबीन चोरी करी थी इन्होंने, उसके बाद ये उस कच्चे रास्ते से अपने गाँव तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में रुके और वहां पे क्योंकि वेयर हाउस के जो कट्टे होते हैं वो पहचान लिए जाते हैं, तो उस वेयर हाउस के कट्टों से बोरियों से अपने पिकअप में खाली कर रहे थे। क्राइम सीन से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बदमाशों ने चोरी की थी। ये चोरी थी सोयाबीन की। सोयाबीन के दानों से राज खुला, सीसीटीवी खंगाले गए। आरोपी सोयाबीन को दूसरी बोरियों में शिफ्ट कर रहे थे। चोरों को ये डर लगा कि गार्ड कहीं उनका राज ना खोल दे। विशाल प्रजापति जो व्यक्ति जो विंड मिल के सिक्योरिटी में लगा था वो वहाँ आया, उसने पूछताछ करना शुरू किया। उसी दौरान फोन पे भी अपने फील्ड सुपरवाइजर से बात कर रहा था, तो उन्हें लगा कि कहीं उनकी चोरी पकड़ी ना जाए। उसी दौरान इनकी गुत्थम गुत्था शुरू हुई और इन्होंने इसको टामी जो होती है उससे मारकर टामी और धारदार हथियार से वहीं पर घायल अवस्था में छोड़कर ये लोग निकल गए। चोरी के शक और चोरों के डर में हुआ था ये मर्डर। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज 18, मंदसौर।
एक मूवी आपको याद होगी, ए वेडनेसडे, जिसमें कोरी धमकियां देकर एक कॉमन मैन सिस्टम को हिला देता है। मूवी में आरोपी कानून की नजरों से बच जाता है, लेकिन मिनी मुंबई यानी दौर में ये कॉमन मैन बम बचा ना सका, जिसके ईमेल से थर्रा गया था सिस्टम। धमकी भरे ईमेल से हिला सिस्टम। पाकिस्तान, आईएसआई का जिक्र, किसकी साजिश? इंटरव्यू में इंतजार, बना साजिश का प्लान। लड़की से मुस्कुराकर बात, दिल में इंतकाम। सिस्टम को सबक सिखाने रची साजिश। मिनी मुंबई में कॉमन मैन बम। 20 जुलाई को एक ऐसा ईमेल इंदौर के आईआईटी कैंपस के केंद्रीय विद्यालय में आया कि प्रशासन ही हिल उठा। ईमेल में स्कूल को 15 अगस्त को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। पाकिस्तान, आईएसआई का जिक्र था। इस धमकी भरे मेल पर पुलिस की टीम ने पूरे स्कूल में सर्चिंग की। बॉम्ब स्क्वाड टीम भी चप्पे चप्पे पर तलाशी ले रही थी, क्या ये कोई साजिश है या फिर किसी आतंकी संगठन की कारस्तानी। लेकिन खोदा पहाड़ और निकला कॉमन मैन। सुनिए इस आरोपी को। प्लेइंग न्यूज थी, मेरा कोई इरादा नहीं है, ना तो मैं किसी से कनेक्टेड हूँ, ना तो किसी में संगठन का कोई आदमी हूँ, तो कुछ भी नहीं, आई एम जस्ट ए कॉमन मैन। किसी आतंकी संगठन ने यह साजिश नहीं रची, न ही इस धमकी भरे मेल का किसी गैंग से कोई कनेक्शन था, बल्कि सिस्टम के ढर्रे से परेशान या कहें बदला लेने की सनक में चेतन सोनी ने यह मेल किया। चेतन बड़नगर का रहने वाला है, DAVV के 2015 बैच में MCA है। पिछले महीने जब चेतन इंदौर के IIT कैंपस स्थित केंद्रीय विद्यालय में कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन की जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया था, तब क्या हुआ सुनिए। पर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि इंटरव्यू, जैसे कि सुबह 11 बजे बुलाया है ना, मैं एरोड्रोम पे रहता हूँ, और वहाँ से मैं 11 बजे गया और शाम तक 6-7 बजे तक इंटरव्यू चला। पर मैंने वहाँ ये महसूस किया कि वहाँ हो रहा है भेदभाव, किस टाइप का। सपोज अगर किसी कोई पहचान का है ना, मतलब लाइक पॉलिटिक्स, तो वहाँ पर उन लोगों को प्रायोरिटी दी जा रही है ना, तो ये तो मतलब सिंपल सी बात है, गलत है ना। क्या आप कैपेबल हो, आप एजुकेटेड हो और आप उनसे बेहतर हो, पर प्रायोरिटी किसको मिल रही है, जो जेंडर वाइज। इंटरव्यू के दिन सुबह से शाम हो गई लेकिन नंबर नहीं आया। ऊपर से इंटरव्यू बोर्ड का इंटरव्यू देने आई एक लड़की से हंस हंस कर बात करना, चेतन को ये लगने लगा कि उसका ना तो कोई जैक है और जेंडर को लेकर भी ये भेदभाव। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार इसमें लगी रही, और इसमें जो तथ्य सामने आया है कि एक चेतन सोनी नामक व्यक्ति जो कि 30 साल का है, जिसने MCA कंप्यूटर्स किया हुआ है और लगातार वो जॉब के लिए प्रयास कर रहा था, उसने KV में भी जॉब अप्लाई किया परंतु उसको जॉब नहीं मिली। इसी निराशा से और इसी फ्रस्ट्रेशन के कारण उसने बॉम्ब थ्रेट वहां पर ईमेल किया। मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए गया है ना, तो उसमें 12 लोग थे और मेरा 11वां नंबर था, तो मेरे आगे एक लड़की थी। तो मैंने ये नोटिस किया कि अंदर जो बोर्ड था, मीटिंग ले रहा था, वो उस लड़की से, जो फीमेल कैंडिडेट थी, उससे हंस हंस के बात कर रहा था। हाँ बिल्कुल, मैंने सुना। और बाहर जो कून बैठा था वो मेरे को इशारा कर रहा है कि अच्छा ठीक है, इसका हो गया ना, अच्छा ठीक है, हो गया। तो सिस्टम को सबक सिखाने के लिए आरोपी ने ये साजिश रची, लेकिन सवाल है कि ये कहां की समझदारी है। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र के सतारा में मेडिकल की एक छात्रा की चौथी मंजिल से फेंककर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड का आरोप उसी के बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि किसी और से अफेयर के शक में बॉयफ्रेंड ने मेडिकल छात्रा की छत से फेंककर हत्या कर दी। देखिए पिक। आरुषि सिंह की हत्या सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ध्रुव को शक था कि उसका अफेयर कहीं और है। बस इसी शक ने मेडिकल के एक छात्रा की जान ले ली और मेडिकल के छात्र को हत्यारा बना दिया। आरुषि मिश्रा की मौत को लेकर सातारा पुलिस, आरुषि मिश्रा और ध्रुव के बीच किस बात को लेकर विवाद था, उस विवाद की वजह को तलाशने की कोशिश कर रही है। सातारा पुलिस ये भी जांच करने में जुटी हुई है, क्या वाकई महज शक की बिना पर ध्रुव ने ये कदम उठाया था या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है। आरोप है कि आरुषि से नाराज ध्रुव ने उसे बात करने के बहाने एक घर की चौथी मंजिल पर बुलाया
और फिर उसे चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही आरुषि को भयानक चोटें आई और उसकी वहीं दर्दनाक मौत हो गई। इस लड़के को कुछ कारणों की वजह से इनके आपस में झगड़े होने लगे और ये जो लड़का है इसने जो डिसीज्ड है इनको थर्ड फ्लोर से इन्होंने ढकेल दिया जिससे इनकी मौत हो गई। और इसमें हमने मर्डर के चार्जेस 103 BNS के अंतर्गत हमने इसमें मामला दाखिल किया है। आरुषि बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी जबकि आरोपी ध्रुव हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला था। दोनों महाराष्ट्र के सतारा जिले में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। इससे पहले आरुषि और ध्रुव दिल्ली में साथ साथ पढ़ते थे। आरोप है कि किसी और से अफेयर का शक होने के बाद ध्रुव ने आरुषि को अपने किराए के घर की छत पर बुलाया। वहां दोनों में बहस शुरू हुई जो हाथापाई तक पहुंच गई। आरोप है कि इसी दौरान ध्रुव ने आरुषि को छत से धक्का दे दिया। इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने ध्रुव को गिरफ्तार कर लिया है। खुलासा उस वारदात का जब फायरिंग की गूंज से दहल उठा था ग्वालियर। लुटेरों ने एक महिला और उसके बेटे को टारगेट किया। बेटा तो बच गया था लेकिन मां की जान चली गई। अब उसी ग्वालियर में एक बार फिर से सुनाई दी है गोलियों की आवाज, लेकिन इस बार कहानी जरा अलग है। इस बार हुआ है शूटर का शॉट एनकाउंटर। ग्वालियर का बेखौफ लुटेरा, कत्ल के बाद लूट की वारदात, दहशत लाइव किलर लाइव। तीसरी आंख में कैद लूट लाइव, शूटर का शॉर्ट एनकाउंटर। इस सीसीटीवी फुटेज ने ग्वालियर पुलिस की पेशानी पर बल ला दिया था। दो नकाबपोश बाइक सवार लुटेरे ग्वालियर के माधवगंज थाना इलाके में इस शख्स और उसकी मां का पीछा कर रहे थे। घर के बाहर ही लुटेरों ने अनीता गुप्ता और उनके बेटे को रोका। उसके बाद बेटे पर फायर करने की कोशिश की लेकिन गोली अनीता गुप्ता को लग गई। लूट के इरादे से यह कत्ल किया गया था। ये लुटेरा इतना बेखौफ था कि सूत्रों की माने तो दहशत फैलाने के बाद इसने महाराजपुर में भी लूट की वारदात की। हालांकि अभी पुलिस जांच कर रही है कि महाराजपुर लूट से इसका कनेक्शन है या नहीं। देखिए, ये अभी 29 तारीख को माधवगंज थाना क्षेत्र में एक महिला और उसका लड़का जो जा रहे थे तो गोली मार के हत्या की गई थी। उस केस का प्रमुख आरोपी है। इसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है काफ़ी संख्या में एक दर्जन से अधिक मामले इसके लूट और उस प्रकार की घटनाओं के हैं। इस पर इनाम भी घोषित किया गया था, तो एक प्रकार के फरारी इनामी है जो बाद में पता लगा कि आकाश जाधव नहीं है। पुलिस की 10 टीम इस किलर लुटेरे को तलाश कर रही थी। पुलिस की टीम के हाथ ये लुटेरा नहीं लग रहा था। इसके बाद पुलिस को 4 दिन बाद मुखबिर से खबर लगी, आरोपी भागने की फिराक में है। फिर इसी इलाके में यानी शीतला माता रोड वाले जंगल में पुलिस और लुटेरा आमने सामने हुए। उसके बाद इस 20,000 के इनामी शूटर आकाश जादौन का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। अनीता गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी आकाश जादौन को आज तड़के ग्वालियर पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर में घायल कर गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त हम खड़े हैं ये शीतला माता के जंगल में, जिस इलाके में आकाश जादौन के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी और उस मुठभेड़ में आकाश जादौन के पैरों में गोली लगी। इस वक्त जो है घटना स्थल पर फोरेंसिक की टीम यहाँ जांच कर रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो पिस्टल है, आकाश जादौन ने इसी पिस्टल से पुलिस पर फायर किया था। ये सूचना मिली कि एक मर्डर का आरोपी है और लूट का आरोपी है जो लेट नाइट शिवपुरी लिंक रोड से होते हुए शीतला माता रोड से होते हुए फरार होने की फिराक में है। इस सूचना के आधार पे थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच और उनकी टीमें माउंट की गई। लगभग 3:30 बजे के आसपास चेकिंग के दौरान ये पता लगा कि एक व्यक्ति है जो मुखबिर ने जो हुलिया बताया उसके अनुसार उसको रोकने की कोशिश की गई। पुलिस के रोकने पर वो नहीं रुका तो दूसरी पार्टी जो हमारी दूसरी साइड से आ रही थी उस पार्टी ने भी इसको चेज किया। फाइनली रेलवे क्रॉसिंग के किनारे इसने मोटरसाइकिल डाल दी। लुटेरे आकाश जादौन पर कई मामले दर्ज हैं। पुलिस इस बदमाश की कुंडली खंगाल रही है।
ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खबर कोरबा से, जहां पर बारिश के पानी में बहने लगी कार। आरएसएस नगर में सड़क पर बहने लगी कार, बाल बाल बची कार चालक की जान। पौड़ी बहार रविशंकर नगर मार्ग पर यह हादसा हुआ है, जहां सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसमें एक कार बारिश के पानी में बहती हुई नजर आ रही है। गनीमत यह रही कि जो कार चालक है, बाल बाल उसकी जान बच गई। और ये देखिए तस्वीरें, इतना ज्यादा यहां पर पानी भर गया था कि कार पानी में बहने लगी। जो कार चालक है वो काफी घबराया भी, डरा भी, लेकिन गनीमत ये रही कि बाल बाल उसकी जान बच गई। और ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर कार बीच पानी के बीच पानी के बीच से ले जाने की कोशिश कर रहा था युवक, और अचानक से वो तेज धार में उसकी गाड़ी बहने लगी, और देखते ही देखते कार कुछ दूरी तक बहती हुई गई। लेकिन गनीमत ये रही कि जो चालक है वो सही सलामत है। मिनी नियाग्रा कहलाने वाला चित्रकोट जलप्रपात अपने पूरे शबाब पर है। जलप्रपात को देखने के लिए दूर दराज से पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। जलप्रपात पर पर्यटक खूब आनंद ले रहे हैं और स्थानीय गीतों पर खूब नाचा जा रहा है। तो वही दूसरे प्रदेशों से पहुंचने वाले पर्यटक भी चित्रकोट जलप्रपात का दृश्य देख कर रोमांचित हो रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से लोग आनंद उठा रहे हैं, जो महिलाएं हैं वो कितना खुशी से यहाँ पर नाचती हुई नजर आ रही हैं। जगदलपुर के चित्रकोट जलप्रपात का ये सुंदर नजारा, जहां पर प्रकृति की खूबसूरती देखते ही बनती है, और यहां पर दूर दूर से लोग आनंद उठाने के लिए जाते हैं। बहुत ज्यादा मजा आया हम लोग को यहाँ आके। लय बाटे जतर खतर डोंगरी गुड़ा घाटी, गुलाय बाटे जतर खतर डोंगरी गुड़ा घाटी, खल 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 बहुत जाए आया इंद्रवती, काय सुंदर बहुत जाए आया इंद्रवती, ये देवस्तर मोचो काय सुंदर माटी, ये देवस्तर मोचो काय सुंदर माटी, ये देवस्तर मोचो काय सुंदर माटी, ये देवस्तर मोचो काय सुंदर माटी। खंडवा में किशोर कुमार के जन्मदिन से पहले वॉइस ऑफ खंडवा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, और इस दौरान सचिन सिंह बिसेन वॉइस ऑफ खंडवा बने। सब जूनियर में दायित्री पाटीदार और जूनियर में देवांश पाचोरे पहले स्थान पर रहे। आयोजन था बहुत ही ज्यादा मजबूती से, सब तैयारी से आए थे इस गायन प्रतियोगिता में और सभी ने टक्कर दी। आज भगवान ने साथ दिया, मेरे सुर सही जगह लगे और मैं वॉइस ऑफ खंडवा बना। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आगे और भी प्रयास करूँगा ताकि मैं किशोर कुमार जैसा देश का नाम रोशन करूँ और खंडवा का भी नाम रोशन करूँ। कार्यक्रम में लगभग 500 प्रतिभागियों ने भाग लिया है, और विशेष रूप से है कि पहले हमारा दायरा निमाड़ के लिए रहता था, पर इस बार ओपन पर ऑल कर दिया हमने। सब लोगों ने इसमें भाग लिया है और किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच का यही प्रयास रहता है कि अधिक अधिक से अधिक युवाओं को, गायकों को हम ये मंच प्रदान करें, और उसमें हम आज यहाँ सफल हुए। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।